हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल। मैंने आपके लिए ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बना दिया है प्रोजेक्टाइल का। उसमें मैंने पहले लेक्चर में आपके लिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, सेकंड में हमने कुछ फॉर्मुला डिराइव किए हैं। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको देखना, क्योंकि मेरा काम तो रहता है वीडियो बनाना, लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको क्लास अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, समझना है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में टारगेट क्या होने वाला है? सबसे पहला टारगेट जो हमारा इस वीडियो में होने वाला है वो हमारा है क्वेश्चन। आज हम मेन क्वेश्चन ही करने वाले हैं। आज छोटा सा वीडियो है, इसको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है बेसिक सा, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए, क्योंकि मेन जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, वो सारा इस क्वेश्चन में ही अप्लाई होने वाला है। इस क्वेश्चन का ही मेन मकसद यही था हमारा समझने का, कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखा है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था वर्टिकल, ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन, इससे नीचे या ऊपर, और ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ क्या बोला गया है, अ पार्टिकल इज थ्रोन, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट, कोई पॉइंट है, एट हाइट एच, मतलब जितना अभी हम डेटा हमको मालूम चला है, क्या क्या मालूम चला है, पार्टिकल फेंका गया है हॉरिजॉन्टली किसी पॉइंट से जो कि हाइट एच पे है। मतलब मान लेते हैं ये अगर ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से एच हाइट पे यहाँ पास कोई पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल को फेंका गया है। इफ़ इट फॉल्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। मैंने आपको, अगर हमने आप लेक्चर नंबर 1 देख के आ रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 देख के आ रहे हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो होता है जिस पॉइंट से पार्टिकल फेंका गया हो, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ क्या बोल दिया गया है, इफ़ इट फॉल्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ से मान लेते हैं किसी x डिस्टेंस पे गिरेगा हमारा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, पार्टिकल को हमने थ्रो किया और पार्टिकल इस तरीके से नीचे गिरा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल फॉल हुआ, नीचे गिरा, उसका डिस्टेंस कितना बताया गया है x। यहाँ से इस पॉइंट से मान लेते हैं पॉइंट O है, तो यहाँ से इस पॉइंट का, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना गया, इसको नाम देते हैं A। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x दे दिया गया है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमने थ्रो किया है, तो हमें फाइंड करना है कितने वेलोसिटी से फेंका गया है, कितने वेलोसिटी से फेंका गया है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पास हमको क्या क्या दिया क्वेश्चन में, पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ठीक है, एट हाइट एच, मतलब आपको मैंने डायग्राम बताया था पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पास वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, तो हॉरिजॉन्टल फेंका गया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ से u यहाँ क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है हॉरिजॉन्टली। अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट एट हाइट h, इफ इट फॉल्स एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। हमें फाइंड करना है किस वेलोसिटी से, मतलब u का वैल्यू हमें फाइंड करना है, किस वेलोसिटी से पार्टिकल नीचे गिरा है उसे हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं यहाँ किसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसको पी नाम देते हैं। तो इतना डायग्राम आपको समझ आ गया होगा कि इसे हाइट एच पे, मतलब इसका हाइट दे दिया इस तरीके से, किसी हाइट एच पे जो पार्टिकल है फेंका गया है इस तरीके से, इस तरीके से पार्टिकल क्या गया है, फेंका गया है, इस तरीके से पार्टिकल फेंका गया है, तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, इसलिए हमें यू का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पास। तो यहाँ पास आप देख रहे हो, यहाँ पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, इसमें क्लियरली मेंशन है, यू का वैल्यू निकालने वाले हैं। अब ये देखते हैं यू का वैल्यू निकालना कैसे है, तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। हमने डायग्राम बना दिया, जितना हमको क्वेश्चन में डेटा गिवन था हमने पूरा लिख लिया। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, किस तरीके से हमको यू का वैल्यू फाइंड करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ से जब हमने पार्टिकल को फेंका तो किसी टाइम टी पे, मतलब किसी एक्स डिस्टेंस पे गिरा है पॉइंट, इस पॉइंट पे गिरा है, हमने पी पॉइंट से फेंका, ए पॉइंट पे जाके हमारा पार्टिकल गिरा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, किसी टाइम टी पे है,
किसी टाइम टी पे एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल गिरा है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं टी है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और पार्टिकल इस पॉइंट पे गिरा है, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन हम बहुत ध्यान से देखिए, तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या क्या वैल्यू दिया गया है हमको, ओपी का वैल्यू हमें मालूम है, ओपी इज इक्वल टू क्या दिया है, हाइट एच, यहाँ से ओए का वैल्यू आ जाएगा, ओए का वैल्यू क्या है एक्स, ये दो वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी यू, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी, और यहाँ ये सेट भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि किसी एक्स डिस्टेंस पे हमारा पार्टिकल जो गिरा है टी टाइम पे, मतलब अगर डिफ्रेंशिएशन करूँ मैं एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा वेलोसिटी आता है यहाँ से, अगर मैं डी एक्स बाय डी टी लिखूंगा, मतलब एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करूँगा टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी आएगा, और उनको फॉर्मूला मालूम भी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमको यू का वैल्यू भी मालूम है, जो कि हॉरिजॉन्टली है, यहाँ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल, तो यहां से क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहां से हम क्या करते हैं, डी टी को जरा शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, u डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहां को लिखना है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां से जब सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां u क्या है कॉन्स्टेंट, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां जाएगा t प्लस कॉन्स्टेंट का सी इज इक्वल टू एक्स, हमारा क्या है यहाँ से एक्स का वैल्यू यू टी प्लस सी। अब यहाँ पास क्या है क्वेश्चन में, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यू टी प्लस सी आ गया, तो यहाँ से सी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं पहले जब मैंने बाकी चैप्टर पढ़ाया है तब आप जानते हो कि सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम किसी भी पॉइंट का इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली मतलब क्या होता है यहाँ से, अभी हम उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं जब हमारा पार्टिकल जो है फेंका नहीं गया था, पार्टिकल जब फेंका नहीं गया तब का बात कर रहे हैं, मतलब इनिशियली बात कर रहे हैं हम, इनिशियली एट पॉइंट पे, जब भी आपको सी का वैल्यू निकालना हो कॉन्स्टेंट का, तो आपको हमेशा इनिशियली लेके चलना है, इनिशियली एट पॉइंट पे, यहीं से आपका वैल्यू आएगा। तो यहाँ बस अगर जब यहाँ पार्टिकल फेंका नहीं गया तो वेलोसिटी कुछ था ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या हो गया, यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और टाइम भी क्या है यहाँ बस, जब यू जीरो हो गया तो टाइम भी, जब पार्टिकल फेंका ही नहीं गया तो टाइम तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये डिस्टेंस भी कुछ ट्रेवल नहीं हुआ होगा, पार्टिकल तो भी यहीं पास है, तो यहाँ डिस्टेंस कहाँ से ट्रेवल करेगा वो, तो यहाँ पास क्या हो गया, एक्स का वैल्यू भी जीरो हो गया, सिंपल। तो अब यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू पुट अप करते हैं, यू का वैल्यू जीरो, टी का वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया सी का वैल्यू जीरो। अब इसको आपको इक्वेशन नंबर वन में पुट करना, मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर वन है, इसमें आप इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, x इज इक्वल टू यू टी प्लस जीरो, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू यू टी, तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास टाइम का वैल्यू आ गया t इज इक्वल टू x अपॉन u, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिखता हूँ t इज इक्वल टू x अपॉन u, इतना आपको समझ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread and I. अब हमें वेलोसिटी निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको हाइट का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे। आपको हाइट का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, तो हाइट के लिए आप कैसे निकालोगे ये आप बताओ मुझे, हाइट किस तरीके से निकाल सकते हो आप, हाइट निकालने का क्या तरीका है, उसमें हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, किस में डिस्टेंस आ रहा है, तो आपको सेकेंड इक्वेशन याद होगा जिसमें हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, और यहाँ पास हाइट तो है, हाइट देख रहे हो, लेकिन हाइट भी क्या है, डिस्टेंस है, हाइट भी कुछ डिस्टेंस ही तो है, मैंने इसको हाइट बोल रहा हूँ लेकिन ये डिस्टेंस ही है, तो यहाँ से अगर मुझे हाइट निकालना है तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ करूँगा, डिस्टेंस वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें फिट बैठता है, क्यों, क्योंकि हमें टी का वैल्यू भी मालूम है, यू का वैल्यू भी मालूम है,
ए का वैल्यू मालूम है, ए यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ क्या होगा, प्लस जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन फोर्स नीचे एक्ट करता है, अगर मैं पार्टिकल को ऊपर थ्रो करूँगा, ऊपर फेंकूँगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशन के अपोजिट जा रहा है वो, अपोजिट जाने पे क्या होता है, ग्रेविटेशन माइनस होता है, क्यों, कि अपोजिट हो रहा है, मुझे ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है फोर्स, लेकिन मैं पार्टिकल ऊपर फेंक रहा हूँ तो यहाँ माइनस ये होता है, लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशन की ओर जा रहा हूँ, मैं अगर पार्टिकल को नीचे थ्रो करूँगा तो उससे क्या होगा, मैं ग्रेविटेशन की ओर ऑलरेडी जा रहा हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्लस ये होगा। मतलब मैंने आपको क्लियर फंडा बताया था कि अगर नीचे की ओर जाता है पार्टिकल तो प्लस ये होता है, और पार्टिकल अगर ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस जी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है, तो अभी मैं वर्टिकल डाउनवर्ड की ओर बात कर रहा हूँ, तब क्या होगा, तब जी पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, जी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में जी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। तो अभी हम वर्टिकली डाउनवर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें हाइट का निकालना बहुत जरूरी है, तो यहाँ आपको लिखना है फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्लियर वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें क्या क्या वैल्यू मालूम है, तो किस डायरेक्शन में ऊपर बात कर रहे हैं, मैं पॉइंट P टू A का बात कर रहा हूँ, टेकिंग फ्रॉम पॉइंट P टू A, ठीक है, यहाँ से यहाँ P टू A तक का जो मोशन हो रहा है, जो पार्टिकल का P से A तक का जो मोशन हो रहा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, आपको मालूम है कि यहाँ बस वेलोसिटी क्या दिया गया है हमको, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली फेंके थे हम पार्टिकल को, तो यहाँ जो वेलोसिटी का हम क्वेश्चन में बात किया गया है, यहाँ बस u इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड का, लेकिन फेंका कैसे गया है, इस तरीके से फेंका, इस तरीके से गया, लेकिन पार्टिकल भले नीचे जा रहा है, लेकिन हम फेंके किस तरीके से हैं, इस डायरेक्शन में मैंने फेंका है पार्टिकल को, तो यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन मैं बात किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ अभी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ u जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ u जीरो हो गया, यहाँ से s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s का वैल्यू h, क्योंकि डिस्टेंस मैंने क्या लिया है, वर्टिकली बात कर रहे हैं अभी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ डिस्टेंस भी क्या लेंगे, हम वर्टिकल लेंगे, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू h, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जी, एक्सेलरेशन हम प्लस जी लेंगे क्योंकि नीचे के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ टाइम क्या लेंगे, यहाँ टाइम t है, अभी यहाँ बस किसी टाइम t के ऊपर बात कर रहे हैं, पूछो क्यों, जब यहाँ से यहाँ पार्टिकल नीचे गया तो मैंने वो क्या होता है किसी टाइम t पे, तो यहाँ टाइम का वैल्यू क्या रहेगा, t ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गया, u इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू h, a इज इक्वल टू प्लस जी, और t इज इक्वल टू t, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू h, पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ u की जगह जीरो, तो u मल्टीप्लाई t, जीरो मल्टीप्लाई t, जीरो प्लस वन बाय टू, a का वैल्यू g दिया है और t का वैल्यू t दिया है, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू वन बाय टू जी टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, h इज इक्वल टू वन बाय टू जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर, हमारी ये वैल्यू आया था कहाँ से, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, हमारे क्वेश्चन नंबर वन क्या था, x इज इक्वल टू यू टी प्लस सी, तो वहाँ से हमने t का वैल्यू निकाल लिया, c का वैल्यू जीरो पुट करके हमने t का वैल्यू निकाला था, x अपॉन u, तो यहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम थ्री देते हैं, तो इक्वेशन नंबर थ्री, इन इक्वेशन थ्री, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू वन बाय टू, टी का वैल्यू क्या है, यहाँ बस t का वैल्यू है x अपॉन u का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर, तो यहाँ बस हाफ जी टी स्क्वायर था, यहाँ g मिसिंग हो गया है, तो यहाँ g आएगा, तो यहाँ भी g आ जाएगा, और इस g को हम क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से हम u का वैल्यू निकाल रहे हैं, u ऊपर चले गया, h नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, u ऊपर आ जाएगा, h नीचे, तो यहाँ से क्या आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू h नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में h, ठीक है, यहाँ से अब u का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो u का वैल्यू क्या आएगा, u इज इक्वल टू u का स्क्वायर है यहाँ पास, तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट, रूट इस तरीके से आएगा 1 बाई टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन में h,
तो ये इसका आंसर हो गया, हमने यू का वैल्यू निकाल लिया। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या क्या किया यहाँ पर, अभी सिंपल मैंने एच का वैल्यू निकाल लिया, एच का वैल्यू निकालने के बाद टी का वैल्यू पुट करना है, फिर यहाँ से सिंपल आपको सिंप्लीफाई करके यू का वैल्यू निकाल लेना है। तो वहाँ स्क्वायर रूट 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन एच आ गया। तो ये इसका सिंपल सॉल्यूशन है, इस तरीके से सॉल्व करना है, या इसका बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद हम एडवांस लेवल में जाएंगे, तब और डिटेल में इसके ऊपर बात। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।